ভারত জুড়ে বিজেপি ভাঙা, ত্রিপুরার স্লোগান ভারত জুড়ে বিজেপি ভাঙা, আসমন্ত্র হিমাচল রাহুল গান্ধী যে পদযাত্রা, ভারত জুড়ে যাত্রা সাংঘাতিকভাবে সারা পেয়েছে। বিজেপি তটস্থ হয়ে গেছে, আপনারা টিভি দেখছেন প্রত্যেক একটি কথা বলব, হামলা হুজুতি করে কংগ্রেসকে ঢোকা যায় না। देखिए, आप सब लोग को हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी को बनाना, ठीक है, लेकिन बीजेपी को इतनी आसानी से आप बना नहीं पाए। जितने भी लोग यहां पर आए हुए, एक पहला काम कर दीजिए, पहले अपना व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाइए अपने इलाके में, जिस ब्लॉक में आप हैं, जिस बूथ में आप हैं, उसमें कम से कम एक व्हाट्सएप की बीजेपी बनाओ, त्रिपुरा बचाओ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, कुछ भी हो, जिसमें आप बिलाल जी को डाल दीजिए, ध्रुवा को डाल दीजिए, किसी को भी डाल दीजिए। जब तक आप अपने से जमीन पर ये सब मैसेज नहीं पहुंचाओगे, ये सब भाषणबाजी होते रहेगा, क्योंकि बीजेपी का जो झूठ का जो मशीन है ना, वो बहुत मजबूत है। आपके थोड़ा सा मेहनत है ताकि तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का जरूरत है, क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात है कि फेसबुक, कितने लोग फेसबुक में रहते हैं यार, हाँ बता लो, और कितने लोग व्हाट्सएप देखते हैं? व्हाट्सएप मंच में सब लोग, मेरा कहना, हमारा कहना है वहां से लड़ाई शुरू हो, हमारे सामने आकर के प्रणाम नमस्कार करके कुछ नहीं होगा। पहले आप अपना काम कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि देश जो है खतरे में है, त्रिपुरा खतरे में, जू कास्ट के लोग हैं त्रिपुरा में, जितने भी ओबीसी लोग, जितने भी ट्राइबल, भाजपा धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर लेगा। अभी तक मुसलमान के पीछे था, अगला टारगेट एससी एसटी ओबीसी, गलत फैमिली में मत लेना भाई साहब, ये आरएसएस का फिलॉसफी, मुसलमान के ऊपर पीछे पड़ गया, अब मुसलमान के बाद स्केड्यूल कास्ट, जितने भी एससी के भाई लोग हैं और ट्राइब्स के लोग हैं, जितने भी ओबीसी के लोग हैं, सब खत्म हो जाएगा आरक्षण, और उसको खत्म करने के लिए भगवान का जो है चेहरा दिखा करके आपको बेवकूफ बना। अयोध्या में सबसे ज्यादा जमीन घोटाला बीजेपी ने राम के नाम पर ही जमीन बेच दिया, हाँ, भगवान नाम राम के नाम पर भी अयोध्या में जमीन घोटाला। स्मृति ईरानी की बेटी अपने रेस्टोरेंट गोवा में बीफ और सुअर का मांस परोसती है, दारू भी देती है, लेकिन वो संस्कारी और देशभक्त है। भाई साहब सुनिए, आप लोग भाषण देते हो ना,
स्मृति ईरानी की बेटी बीफ और सुअर का मांस और दारू देती अपने रेस्टोरेंट में और वो संस्कारी हो गई। आसाराम बापू एक बच्ची का बलात्कार करता है तो वो संस्कारी हो गया। स्वामी चिन्मयानंद जो बीजेपी का सांसद और मंत्री था वो लड़की का बलात्कार करता है तो वो संस्कारी हो गया। और देश को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बीजेपी व्हाट्सएप फेसबुक में झूठ फैलाते और आप लोग सोते हो, आप काउंटर नहीं करते। तो बड़ा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जानबूझ के इस देश में जो महंगाई है, सरसों तेल सरसों का जो है मछली खाते हो ना, मोदी छोड़ देगा सरसों सिर्फ कान में डालने लायक छोड़ देगा, खाने से उड़ा देगा सरसों, इतना महंगा हो जाएगा सरसों सिर्फ कान में डालिए बस। बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा, बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा, भूखमरी दुनिया में सबसे ज्यादा, अनीमिया से पीड़ित महिला दुनिया में सबसे ज्यादा, बच्चे की मौत। और विश्वगुरु हो गया कांग्रेस में एक समय में दुनिया में सबसे कम गरीबी को कम करने वाले जो मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी की 27 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से ऊपर कर दिया। इतना तो यार मार मत खाओ, लाठी मत चलाओ, जान मत देना कांग्रेस पार्टी के लिए। कम से कम व्हाट्सएप और फेसबुक तो खोलो, बात समझ रहे हो कि नहीं। किसी को कोई जो है ध्यान देने की तब जरूरत नहीं, क्योंकि जान देने से कुछ नहीं होने वाला। पहला काम है कि फेसबुक व्हाट्सएप में इनके झूठ को पर्दाफाश कीजिए। इस देश में हर 10 मिनट में एक देहादी मजदूर की मौत होती है डेली वेज लेबर का, हर 10 मिनट। और हर 10 मिनट में अदानी 8 करोड़ रुपए कमाता है। हर 10 मिनट में मोदी का दोस्त 8 करोड़ रुपए कमाता है। और हर 10 मिनट में इसी मायने में कोई डेली जो है जो काम करने वाला, चाय दुकान वाला, खेती करने वाला, पपीता बेचने वाला, उसकी मौत होती है इस देश में। कैसा भारत है भाई साहब? সপ্তজন্মের কথা মাথায় রেখে, এই ত্রিপুরার কথা মাথায় রেখে, ভারতবর্ষের সবটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মাথার মধ্যে রেখে কংগ্রেসের পাশে এসে কংগ্রেসকে সমর্থন করুন বন্ধুরা, না হলে দেশ এবং আমাদের রাজ্য মানুষ রেহাই পাবে না। এই কোটি কথা বলে আগামী দিন যত নির্বাচন এগিয়ে আসবে আমাদের বারংবার আমাদের দেখা হবে, আশা হবে, কথা হবে। আমার বিশ্বাস, আর বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি আজকে, যারা যোগদান করলেন, যারা কংগ্রেস আগের থেকে রয়েছেন, তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ একটা মিশ্রণের প্রেক্ষিতে দল আরো শক্তিশালী হবে, দল এগিয়ে যাবে, মানুষকে ভালো কাজের মাধ্যমে মানুষের মন এবং তাদের আত্মা জিতবার জন্য যা যা করার সবটাই তারা করবে। এই কোটি কথা। রাহুল গান্ধীজি 3,570 কিলোমিটার হাঁটতেন, মহাত্মা গান্ধীও শুরু করেছিলেন গান্ধী অভিযান, আর বর্তমানে একজন গান্ধী রাহুল গান্ধী শুরু করেছেন 3,570 কিলোমিটার হাঁটতেন কন্টিনিউয়াস। ভারত জুড়ে বিজেপি ভাগা, ত্রিপুরার স্লোগান ভারত জুড়ো বিজেপি বাঙাল, আর সমগ্র হিমাচল রাহুল গান্ধী যে পদযাত্রা ভারত জুড়ো যাত্রা সাংঘাতিকভাবে সারা ফেলেছে, বিজেপি তটস্থ হয়ে গেছে। আপনারা টিভি দেখছেন প্রত্যেক আজকে অনেক বলার লোক আছে বলবেন, পরবর্তী সময়ে শুধু এই লোকগুলি দিয়ে বিজেপিকে সরানো যাবে না। আর ভারতবর্ষ থেকে ত্রিপুরা থেকে বিজেপিকে সরানোর দায়িত্ব আপনারা আমরা নেব না, আমাদের উপর নষ্ট যে দায়িত্ব সেটা হলো এই সুনামরা 4-4টা বিধানসভা কেন্দ্রকে বিজেপি মুক্ত করব, এই আশা এই পরিকল্পনায় আমি এগিয়ে থাকবে সামনের দিন। গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য
আমাদের লড়াইকে তো তুঙ্গে তুলতে হবে, সেজন্য আগামী দিন থেকে আমরা সবাই দাবিও করবো।